हे गाइस, वेलकम टू सुपर यूज़र। कंपनी की तरफ से जो हमें नोटिफिकेशन बार मिलता है, जो कि काफ़ी सिंपल सा होता है, हमें कुछ खास नहीं लगता। मोबाइल को रूट करने के बाद एक बेनिफिट ये भी होता है कि हम इस नोटिफिकेशन बार को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसमें कलरिंग सेट कर सकते हैं, जो एलिमेंट चाहिए उसको रख सकते हैं, जो नहीं चाहिए उसे हटा सकते हैं। मतलब कि ओवरऑल एक एक एलिमेंट का कंट्रोल हमारे पास आ जाता है। ये एक स्क्रीनशॉट है जो कि मैंने इसे कस्टमाइज़ करके बनाया है। नोटिफिकेशन बार को ऐसा कस्टमाइज़ करने के लिए हम लोग एक मॉड्यूल का हेल्प लेंगे, जिसका नाम है फ्लैट स्टाइल बार इंडिकेटर FSBI। इसे यूज़ करने के लिए आपके मोबाइल में एक्सपोज्ड प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड होना चाहिए और आपके मोबाइल में जी एप्स भी इंस्टॉल होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जिन्हें बिना जी एप्स के फ़ोन रखना ज़्यादा पसंद होता है, तो वैसे फ़ोन में ये मॉड्यूल काम नहीं करेगा, क्योंकि ये यूज़ करते टाइम बैकएंड में गूगल प्ले सर्विस को यूज़ करता है। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए एक्सपोज लॉन्च करते हैं और सर्च करते हैं फ्लैट स्टाइल बार इंडिकेटर। ये रहा वो एप्लीकेशन, इंस्टॉल कर लेते हैं। ये इस मॉड्यूल का फ्री वर्जन है, इसका प्रो वर्जन भी अवेलेबल है। मैं इस वीडियो में इस मॉड्यूल का प्रो वर्जन यूज़ करने वाला हूँ। आप प्रो वर्जन ईजिली गूगल प्ले से परचेज कर सकते हैं। इसे इनेबल करके रिबूट कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, नोटिफिकेशन के हर एलिमेंट को यहाँ से अलग अलग से हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ मोबाइल डाटा, डेट एंड टाइम, वाईफाई, बैटरी और हॉटस्पॉट को कस्टमाइज़ करूँगा। यहाँ मैं सारे एलिमेंट्स को कवर नहीं कर सकता, क्योंकि इससे वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो जाएगा। मोबाइल डाटा से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कनेक्शन टाइप का। नेट ऑन करते ही हमारे 4G फ़ोन में 4G लिखा आता है। यहाँ से हम उस टेक्स्ट के साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ इसे 10 यूनिट पर सेट करूँगा। टेक्स्ट रोटेशन 0 डिग्री रहने देते हैं, क्योंकि नेटवर्क टेक्स्ट सीधा ज़्यादा बेटर लगता है बजाय उल्टा के। टेक्स्ट स्टाइल को मैं बोल्ड रखूँगा। ऑफसेट एक्स को 3.0 और ऑफसेट वाई को 2.0 पर सेट करूँगा। वर्टिकल अलाइनमेंट को सेंटर ही रहने देते हैं। कनेक्शन टाइप टेक्स्ट कम्प्लीट हुआ। एक बैक आते हैं, शो इफ़ नो सिग्नल। अगर नेटवर्क की एक भी डंडी नहीं रही तब भी मैं आइकन को विजिबल रखना चाहता हूँ। यूज़ एम्प्टी एज नो सिग्नल। सारी नेटवर्क की डंडी खाली रहे तब भी मैं नेटवर्क की डंडी को हटाना नहीं चाहता। लेफ्ट पैडिंग 0, राइट 3 और टॉप और बॉटम को 0 रखूँगा। डुअल सिम फोन्स के दोनों आइकन में मैं 5 का गैप रखूँगा और वर्टिकल ओरिएंटेड बिल्कुल भी नहीं रखने वाला हूँ। और यहाँ से नेटवर्क आइकन्स में से मैं ये वाला चूज़ करूँगा। यहाँ इसका प्रीसेट ऑलरेडी अवेलेबल है, बट मैं अपना डिज़ाइन करूँगा। यहाँ फ्लिप हॉरिजॉन्टल और फ्लिप वर्टिकल दोनों को मैं डिसेबल रखने वाला हूँ, क्योंकि मैं आइकन को उल्टा सीधा एनिमेट नहीं करवाना चाहता। हाइट इसका 13.0 रखूँगा, राउंड रेडियस इसका 2.0 रखूँगा और कर्व को सेट करूँगा 11 यूनिट पर। काउंट 7 कर देता हूँ। साइज 2.5 सही है। पैडिंग 1.0 सही लग रहा है, इसे अप्लाई कर देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि वाईफाई है। इसमें पहला ऑप्शन SSID का है। किसी भी वाईफाई नेटवर्क का नाम उसका SSID होता है। इसे इनेबल करने के बाद मैं किसी भी वाईफाई से कनेक्ट करूँगा तो ये ऊपर विजिबल कर देगा उसका नाम। इसका टेक्स्ट मैं 9 रखूँगा। टेक्स्ट स्टाइल नॉर्मल ही रहने देते हैं और टेक्स्ट केस स्टाइल को भी नॉर्मल ही रहने देते हैं। लेफ्ट राइट दोनों पैडिंग को मैं 0 रखूँगा। टॉप को 9 और बॉटम को 0 कर देते हैं। मैक्स विथ को 100 ही रहने देते हैं और मार्कुई को इनेबल ही रहने देते हैं। ये हो गया SSID का सेटअप। बैक करके RSSI में चलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो RSSI एक पैरामीटर है जो ये बताता है कि आपका डिवाइस कितना दूर है उस वाईफाई नेटवर्क से जिससे आप कनेक्टेड हो। यही सेम चीज़ वाईफाई सिग्नल्स भी बताता है आइकन्स के रूप में, बट वो इतना एक्यूरेट नहीं होता है जितना कि ये है। और DBM यानी कि डेसिबल्स इसका यूनिट है। अगर DBM का वैल्यू 30 के ऊपर है तो ये बहुत अच्छा सिग्नल वाला नेटवर्क होगा। अगर वैल्यू 60-70 के बीच है तो ये ठीक ठाक यानी कि मीडियम लेवल का नेटवर्क होगा। और अगर वैल्यू 90 के करीब है तो नेटवर्क काफ़ी पुअर होगा। इसका साइज़ मैं 9 कर देता हूँ और मुझे टेक्स्ट में कोई भी रोटेशन नहीं चाहिए। टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड कर देता हूँ। और अगर हम चाहें तो DBM के लेफ़्ट या राइट कुछ टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। पोजीशन मैं इसका आउटर राइट ही रखने वाला हूँ। ऑफसेट एक्स पोजीशन 5.0, ऑफसेट वाई पोजीशन को 3.5 पर सेट कर देते हैं। वर्टिकल अलाइनमेंट को यहाँ भी मैं सेंटर में ही रखने वाला हूँ। ये हो गया RSSI का सेटअप। लेफ्ट पैडिंग 0 और राइट पैडिंग 2 रखूँगा।
और टॉप पैडिंग -1 और बॉटम पैडिंग 0 रखूँगा। अब थोड़ा आइकन सेट कर लेते हैं। फ्लिप वर्टिकली डिसेबल ही रखूँगा। स्ट्रोक विथ को 2.0 पर रहने देते हैं। डिग्री को मैं 80 डिग्री पर रखने वाला हूँ। काउंट्स में 5 सही रहेगा और पैडिंग 1.5 पर सही लग रहा है। अप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है बैटरी का। और हाँ गाइस, अगर किसी एलिमेंट का आइकन नहीं चाहिए तो उसे यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हैं। मुझे बैटरी का आइकन चाहिए इसीलिए इसे इनेबल ही रखने वाला हूँ। परसेंटेज टेक्स्ट, इसका टेक्स्ट साइज़ मैं 11 रखने वाला हूँ। टेक्स्ट रोटेशन एंगल मुझे नहीं चाहिए। टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड कर देने वाला हूँ। हाई डिफ फुली चार्ज को डिसेबल रखने वाला हूँ। हाई डिफ चार्जिंग को भी डिसेबल ही रखूँगा। और अगर हम कुछ टेक्स्ट चाहें तो बैटरी के लेफ्ट या राइट में लिख सकते हैं, जो कि मैं अभी नहीं देने वाला हूँ। पोजीशन को मैं आउटर लेफ्ट रखूँगा। ऑफसेट एक्स पोजीशन को -3.0 पर और ऑफसेट वाई को 0 रखूँगा। और वर्टिकल अलाइनमेंट इधर भी सेंटर ही रखने वाला हूँ। थर्ड ऑप्शन है चार्ज इंडिकेटर का। इसमें पोजीशन को मैं आउटर राइट, ऑफसेट एक्स को 2.5, ऑफसेट वाई को -3.0 पर रखूँगा। एंड अगेन वर्टिकल अलाइनमेंट को सेंटर में ही रखूँगा और चार्ज इंडिकेटर ये वाला चूज़ कर लेते हैं। सो नेक्स्ट ऑप्शन है कलर्स फॉर ईच लेवल का। ये फीचर से हम बैटरी इंडिकेटर और बैटरी आइकन को हर स्पेसिफिक परसेंटेज के लिए अलग अलग कलर्स के लिए सेट कर सकते हैं। बैटरी 100% पर ग्रीन आइकन हो जाएगा, 50% पर ऑरेंज और 10% पर रेड। इसके लिए ऐड कलर्स पर हिट करते हैं, लेवल से परसेंटेज सेट कर लेते हैं। मैं यहाँ 100 कर देता हूँ और 100 पर मुझे ग्रीन चाहिए जो कि ऑलरेडी यहाँ सेट है। चार्जिंग को डिसेबल करके 10% और टिंट आइकन को इनेबल करना ज़रूरी है, तभी ये आइकन और परसेंटेज दोनों को कलर कर पाएगा। बाकी के 3% इंटरवल्स को मैं सेट कर लेता हूँ। सो नेक्स्ट ऑप्शन है एनिमेट चार्जिंग का, जो मुझे चाहिए। और 50% पर मैं स्टेप डिले करवाना चाहता हूँ। लेफ्ट पैडिंग को 2 कर देते हैं और राइट टॉप बॉटम को 0। बैटरी का आइकन भी कस्टमाइज़ कर लेते हैं। फ्लिप वर्टिकली मुझे नहीं चाहिए। विथ 7.0, हाइट 15.5 और रेडियस 2.5 पर सेट करते हैं। बैटरी का भी सेटिंग कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। क्लॉक का टेक्स्ट साइज़ 13 पर बेस्ट लग रहा है। लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम चारों यहाँ पर 0 पर ही सही लग रहा है। नेक्स्ट है ब्लॉक कंस्ट्रक्टर। हमें जिस फॉर्मेट में क्लॉक चाहिए यहाँ से हम वैसा उसे सेट कर सकते हैं। कई लोगों के फ़ोन के क्लॉक में आवर्स और मिनट तो होता है बट सेकंड नहीं होता है, और मेरे हिसाब से क्लॉक में सेकंड भी विजिबल होना चाहिए, जो कि इस मॉड्यूल से हम ऐसा कर सकते हैं। 12 आवर सेक्शन से यहाँ हम आवर पुट कर देते हैं, देन कॉलन, देन डबल डिजिट मिनट से मिनट सेट कर देते हैं, फिर कॉलन और फिर सिंगल डिजिट से सेकंड को यहाँ सेट कर देते हैं। हम चाहें तो डेट सेक्शन से डेट और डे भी सेट कर सकते हैं, बट यहाँ मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ क्योंकि नोटिफिकेशन बार जितना क्लीन हो उतना ही बढ़िया लगता है। फॉर्मेटिंग सेक्शन से इसमें कुछ स्टाइलिंग भी ऐड कर सकते हैं, आवर और मिनट को मुझे बोल्ड रखना है और सेकंड को मुझे स्मॉल रखना है। सो ये हो गया अपना क्लॉक सेट। फाइनल सेटिंग है हॉटस्पॉट का। स्केल में यहाँ 75 सही लग रहा है। लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम चारों को यहाँ 0 वैल्यू पर सेट करूँगा और आइकन ये वाला सही लग रहा है। सो अपना सारा सेटिंग हो गया है। चलते हैं होम पेज पर। कलर से हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को कलर दे सकते हैं और पोजीशनिंग से हम किसी एलिमेंट को लेफ़्ट राइट या मिडल में रख सकते हैं और बैकअप से टोटल सेटिंग का बैकअप बना सकते हैं। और हाँ, इसके बैकअप फाइल को रिस्टोर करते वक्त बैकअप फाइल उसी फोल्डर में होना चाहिए जहाँ इस एप्लीकेशन ने बैकअप फाइल को बनाया था, यानी कि डाटा फोल्डर में। नो डाउट इस मॉड्यूल में हर एलिमेंट के लिए डीप और एडवांस कस्टमाइजेशन इंक्लूड किया गया है। मैंने यहाँ 5 एलिमेंट को इंक्लूड किया है, बाकियों को आप खुद ट्राई कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक बैकअप फाइल डाल दूंगा कि अगर जिन्हें इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है वो सीधा बैकअप फाइल को रिस्टोर कर सकते हैं। और अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।